नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की, जो कि दमोनगर कोतवाली से जुड़ी हुई है। दमोनगर कोतवाली अंतर्गत चाकूबाजी का मामला सामने आ गया है। चुनावी मौसम चल रहा है, लेकिन चाकूबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। एक और मामला सामने आया दमोनगर कोतवाली अंतर्गत हजारे की तलैया पर, जहां एक युवक को बेवजह 6 चाकू मारे गए। एक दो नहीं बल्कि 6 चाकू मारे गए। दो युवकों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया और घटना घटित करने के बाद युवक मौके से फरार हो गए। घायल का नाम राजा बताया जा रहा है, जबकि आरोपियों का नाम दीपेश एवं तुलसी राम रेखवार बताया जा रहा है। किन कारणों से चाकूबाजी हुई इस बात की जानकारी घायल को भी नहीं है। घायल राजा का कहना कि बेवजह विवाद किया गया और ताबड़तोड़ चाकू बरसाए गए। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसे जिला अस्पताल में लाया गया, वहीं पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। हालांकि अब तक आरोपी नहीं पकड़े गए हैं। चुनावी मौसम में चाकूबाजी कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है कि आखिर पुलिस कर क्या रही है। आपको राजा कहा होगा? राजा साहब तक तुम्हारे नीचे कहाँ की बात है? से है हजारी के तलैया के नीचे की। किसने मारी है? तुलसी राम रेखवार और दीपेश रेखवार। आपका क्या नाम है पूरा? राजा प्रजापति। कहाँ के रहने वाले हो? हजारी के तलैया की। रिपोर्ट हो गई? हाँ सब। दमोह शहर में चाकूबाजी की घटनाएं नहीं थम रही हैं। एक के बाद एक चाकूबाजी की घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में मुख्य विपक्षी दल लगातार कानून व्यवस्था को अपना मुद्दा बना रहे हैं। ऐसे में देखने लायक होगा बीजेपी इन मुद्दों से कैसे निपटती है और पुलिस कब तक चाकूबाजों पर अंकुश लगाती है, क्योंकि नगर कोतवाली पुलिस का अपराधों की ओर ध्यान नहीं है। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ। देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार। संजय सरवरिया समाचार।